लखनऊ में टांगे वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आपकी अपनी आईटी ब्लॉग पे आपका स्वागत है। और डे टू इन लखनऊ। अभी सुबह सुबह उठ के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तो आज उन्होंने बोला कि हम ऊपर बुफे नहीं लगा रहे, आपके रूम में हम सर्व कर देंगे। तो रूम में भी बहुत ज़्यादा खाना आ गया, आप देख सकते हो। वो मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देती हूँ। ऑरेंज जूस, फ्रूट्स, टोस्ट, सैंडविच, ये पूरी सब्जी है, इसको मैं बाद में खोल के दिखाऊंगी। ये एक मसाला ऑमलेट है और एक पोच है कॉफी। मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। मैं और पापा थोड़ा बाहर जाएंगे घूमने के लिए, बाहर बहुत तेज धूप है। वाह, मेरा नेल पेंट और मेरा ड्रेस है मैच मैचिंग हो गया पूरा। और ये वाला ज्वेलरी मैंने मीशो से लिया था, मैं कोड शेयर कर दूंगी। इसके साथ ये नोज पिन, इयररिंग, नेकलेस और ये बैंगल। मेरा एकदम मेरा फुल लुक आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी हम लोग थोड़ा रिसेप्शन एरिया में वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए, उसके बाद फिर निकलेंगे, थोड़ा घूम के आएंगे। हम लोग कैब में तो बैठ गए, अभी चलो लखनऊ दर्शन करने निकलते हैं थोड़ा। दस्तरखान में नहीं आ तो ये कैसे हो सकता है? वो दस्तरखान वाला गाना नहीं है? दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। तो अभी थोड़ा सा दावत इश्क करने जाते हैं। पहले इनका जो पुराना ब्रांच था वो अभी क्लोज हो गया, अभी एक नया ब्रांच में हम लोग आ रहे हैं। मैं थोड़ा शेड में आ जाती, बहुत धूप है। अगर आप कभी लखनऊ आ रहे हो तो ये दस्तरखान, इदरीशी बिरयानी, टुंडे कबाब, ये सब में नहीं खाए तो क्या खाए? तो आज हमारा फर्स्ट डे है लखनऊ में, तो थोड़ा सा हम लोग आज यहीं पर ही आ गए। दस्तरखान, ये मुग़ल दस्तरखान है, ये हज़रतगंज में है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। चेक करूँगी फिर दिखा दूँगी। और प्राइस वगैरह रीज़नेबल है, टेस्ट पता नहीं, टेस्ट
करना पड़ेगा। हमने वो क्या मंगवाया, हमने शामी कबाब मंगवाया है और उसके बाद मटन चॉप विद उल्टा तवा का पराठा, और यहाँ पे बोलते हैं उल्टा तवा का पराठा को मुगलई पराठा। आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैं ले सकते हो, तो प्राइसेस एक बार दिखा देती हूँ आपको। Right. शामी कबाब, ये है मुगलाई पराठा। This is शामी कबाब। अभी मैं ट्राई करूंगी मटन शामी कबाब एंड मटन चॉप विद उल्टा तवा का पराठा, जिसको हम दिल्ली में बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं उसको मुगलाई पराठा। सीरियसली बहुत ही अच्छा है, फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम मुंह में जाने से ना एकदम मेल्ट हो गया, इतना यम्मी लग रहा है इसको खाने में। और इसका हर एक फ्लेवर एकदम आपको समझ में आएगा क्या क्या मतलब स्पाइसेस वगैरह है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको। आप मेरा शक्ल देख सकते हो, मैं कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। पापा भी पूरा खा रहे हैं, तो मैं पापा को भी शेयर मतलब दिखा नहीं रही हूँ, पापा आराम से इंजॉय कर रहे हैं। और मटन इतना सॉफ्ट है, मटन चॉप वाला बहुत ही टेंडर पीस था, बहुत अच्छा लग रहा था इसको खाने में। और उल्टा तवा का पराठा हल्का सा मीठा भी है, क्योंकि वो मिल्क से मतलब उसको डो को बनाया जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा स्वीट आ रहा है। तो बहुत उसका मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा और बहुत खस्ता है, आप देख सकते हो, एक साइड थोड़ा सा हल्का सा है, एक साइड पूरा क्रिस्पी। बहुत ही अमेजिंग था यार, मतलब इतना सही लग रहा था ना लखनऊ, एकदम मस्त लगा हमें ये वाला खाना खा के। लखनऊ आओ, ये सब नहीं खाओ तो ये कैसे हो सकता है। इसीलिए तो लखनऊ आए हैं हम। बहुत अच्छा है। I'm craving for a cocktail. Seriously, we are craving for this. You have to be. मैं यहाँ पे ना सच में अनिल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बेचारा काम की वजह से आ नहीं पाए। तो वो उसको इतना पसंद आता ना, मैं पापा और अनिल हम तीनों ही बहुत बड़े फूडी है। कोई नहीं, मैं तेरा वाला हिस्सा भी मैं खा लूंगी, नो प्रॉब्लम। लखनऊ स्पेशल मटन दम बिरयानी आवादी स्पेशल, आप देख सकते हो इसका राइस इतना खिला खिला सा है ना, मतलब अभी तक इसको अच्छे से हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए लेकिन इसका फ्लेवर आना स्टार्ट हो गया है। लखनऊ स्पेशल आवादी मटन दम बिरयानी, फ्लेवर इसका इतना सही आ रहा है, मतलब पूरा रेस्टोरेंट में हमारा टेबल के आसपास इसका एक अलग से खुशबू, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और ये बनता है दूध और केसर के साथ, जैसे मैं अपने घर पे शेयर बनाती हूँ,
क्योंकि कोलकाता में भी आवादी बिरयानी ही बनता है, बट उसमें आलू और आलू बुखारा डलता है और इसमें नहीं। लखनऊ में आके आवादी बिरयानी नहीं खाया तो क्या खाया? जायकेदार, इसमें बहुत मस्त खुशबू आ रही है। लखनऊ बिरयानी का स्पेशलिटी होता है कि बहुत ज़्यादा खिला खिला चावल होगा और हर एक चावल में आपको इसका फ्लेवर मिलेगा, तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। मैं नॉर्मल, मेरे को मुरादाबादी बिरयानी उतना अच्छा नहीं लगता, मैं हैदराबादी बिरयानी भी अच्छा ठीक ठाक लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुझे ये कोलकाता स्टाइल और लखनऊ स्टाइल बिरयानी ही पसंद है मेरे को, क्योंकि मैं बचपन से ये वाला ही खाते हुए आई हूँ, तो मेरे को इसीलिए अच्छा लगता है। और इसका मटन का पीस आप देख सकते हो, मुँह में जाने से एकदम मेल्ट हो जा रहा है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा इसमें ना जेली जेली टाइप का था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मटन होना चाहिए एग्जैक्टली वैसे मटन बिरयानी बना है। मतलब ज़बरदस्त फ्लेवर है, मतलब इतना अच्छा बिरयानी मैंने बहुत दिनों के बाद खाई, मतलब आफ्टर कोलकाता में ये वाला बिरयानी बहुत ही अच्छा लगा। पर कोलकाता में भी ये आवादी बिरयानी थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर। अभी हमारा फ्रेंडी आ गया, थैंक यू। पापा बोल रहे थे दो मंगवाए, मैं बोली नहीं दो नहीं एक ही मंगवाओ, तो मेरा पेट ऑलमोस्ट फुल हो गया, तो मैं पापा तू तो पूरा खा लेगी, मैं बोली नहीं नहीं मैं पूरा नहीं खाऊंगी, तो थोड़ा सा मटका फिरनी में आप लोगों से शेयर कर दी। सुपर क्रीमी, और ही मंगवा लो, और इसे ना बहुत अच्छा, सही नहीं, परफेक्ट स्वीटनेस है इसका, मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ज्यादा स्वीटनेस नहीं, बहुत अच्छा। लंच करने के बाद मैं और पापा निकल गए लोकल साइट सींग में, लेकिन हमारे कैब वाले भैया ने बोला था कि आप कोई लोकल व्हीकल ले लेना, वो ज़्यादा बेटर होगा, ई रिक्शा टाइप, तो उसको लेने के बाद हम लोग चले गए बड़ा इमाम बड़ा, बहुत कुछ जगह देखे, वो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है वो। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरा डिटेल्स वीडियो मिलेगा लखनऊ साइट सींग का, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, और हाँ आप मेरा ये लखनऊ सीरीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा हर एक डे, वन डे टू डे थ्री आप लोग देखना। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, ब्लॉग देखना, बाय।